वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कि जो सब इंजीनियरिंग का रिजल्ट है किस लिए डिले हो रहा है और क्या इसमें आगे होने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसमें चार केसेस लगे हुए हैं जिसकी मैंने पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। तो मैं उसको बता देता हूँ आपको कि जैसे कि ये नेक्स्ट ईयरिंग सभी की डेट में बता दी गई है। एक की जो डेट है वो 7 फरवरी है और कल अर्जेंट हियरिंग भी लगी हुई है। तो एक एक करके केस की मैं डिटेल दे देता हूँ और किस किस ने लगाया है उसकी इन्फॉर्मेशन। तो पहले तो हम केस को ओपन कर लेते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन रिट पिटीशन के नाम से आप सर्च करेंगे हाई कोर्ट पर मिल जाएगी। मैंने आपके लिए सुविधा के लिए आप हमारा जो ग्रुप है MPPSC गुरुजी, जब आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे वहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं रिट पिटीशन है 18-667 के नाम से है। ठीक है, इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है यानी कल है और ये किसने लगाया हुआ है, तो इसमें जो लगाया हुआ है जैसे कि देख सकते हैं अर्जेंट हियरिंग और रिलीफ के बेसिस पे लगाया हुआ है। और ठीक है, अर्जेंट हियरिंग ही है और इसमें क्या क्या है, इसमें देख लीजिए आप किस किस ने लगाया हुआ है। तो ये जो सब इंजीनियर्स हैं जो पहले से वर्किंग है MPRRDA में, तो उन वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हैं, उनके द्वारा ये लगाया गया ताकि उन्हें परमानेंट किया जाए और बाद में ही वैकेंसी निकाली जाए। हालांकि उनके लिए जो सीट है अभी 20% रिजर्व कर दी गई हैं। ठीक है, इसी में तो ये नेक्स्ट केस के बारे में बता देता हूँ। नेक्स्ट केस किस रिलेटेड है, तो नेक्स्ट केस का जो नंबर है 18107 है और इसकी हियरिंग भी कल होनी है। ठीक है, ये भी हमारी जो वैकेंसी से रिलेटेड है। परमिशन टू डिक्लेयर द रिजल्ट है एप्लीकेशन। ठीक है, और इसमें अर्जेंट हियरिंग और अर्जेंट रिलीफ। ठीक है, इसको देख लीजिए, जो सब इंजीनियर हैं कॉन्ट्रेक्चुअल रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज में हैं, संविदा कर्मी हैं, उनके द्वारा लगाई है। नेक्स्ट हियरिंग किस है, नेक्स्ट हियरिंग के बारे में इंफॉर्मेशन हमारी रहेगी ये हाई कोर्ट की साइट पर आपको देखने को मिलेगी। उसका केस नंबर आप देख सकते हैं कि ये रिट पिटीशन 2247। ठीक है, इससे नाम से देख लीजिए आप इसकी हियरिंग कब होनी है। तो इसकी हियरिंग हमारी 7 फरवरी 2023 को होनी है। इसमें क्या है, ऑर्डर फॉर द डिफॉल्ट ऑफ द पेड बाय कंसल बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब पीरियड। ठीक है, जो हमारे दिया हुआ है उसके हिसाब से। और क्या है इसमें, पिटिशनर फॉर एप्लीकेशन इग्नोरिंग द डिफॉल्ट। ठीक है, एक्सेप्शन फॉर द फिलिंग रेगुलर लेड बाय द कॉपी नथिंग। तो इसकी इंफॉर्मेशन यही है कि आप जब पिटिशनर्स को देखेंगे तो ये सब इंजीनियर हैं मनरेगा के, जो संविदा कर्मी हैं उनके द्वारा ये लगाई गई। अब जो चौथी हमारी सबसे खास है उसको बता देते हैं कि जो डिप्लोमा बेसिस हैं उनके द्वारा लगाई गई है। इसका नंबर आप नोट कर लीजिए 86112 है, जो कि जिसकी नेक्स्ट हेयरिंग कल होना है और ये ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है, एप्लीकेशन फॉर द परमिशन टू डिक्लेयर द रिजल्ट। इसके द्वारा क्या होगा कि हाई कोर्ट हमारे जो व्यापम है उसको एक डायरेक्शन देगा कि किस प्रकार से सब इंजीनियर का जो रिजल्ट है वो जारी किया जाए, क्योंकि वहाँ पर उस हिसाब की जो कंडीशन थी उसको लेके दुविधा बनी हुई थी कि डिप्लोमा और इंजीनियर बेसिस पे ये रहेगा। ठीक, तो ये है पूरी जानकारी आपको कौन कौन से केसेस लगे हुए हैं। और भी केसेस जो थे उसकी जानकारी मैंने आपको दे दी थी, वो हमारे जो चैनल है इसी ग्रुप में को ऊपर को देखने को मिल जाएगी। तो देखिए कितने सारे लोगों ने, लगभग 63 जो लोग हैं सब इंजीनियर, उन सभी ने एक साथ मिलकर इस पर अर्जेंट हियरिंग के लिए केस लग चुका है। तो आप देखिए सब इंजीनियर का रिजल्ट लगभग रेडी हो भी चुका होगा। एक फाइनल जो डायरेक्शन है वो कोर्ट यदि देता है तो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप जब भी पूछ रहे हैं कमेंट में तो मैं बताने में असमर्थ हूँ कि रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल नहीं है। और जो बता रहे हैं कि आ जाएगा तो वो सिर्फ हवाबाजी है, जब तक कि कोर्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोर्ट जो है एक इंट्रीम ऑर्डर पहले से ही दे चुका है कि फाइनल जो रिजल्ट है वो हमारी डायरेक्शन के बिना पर नहीं दिया जाए। तो उसी को लेके कल सुनवाई रहेगी, देखते हैं कल क्या निर्णय आता है। तो आप सभी चैनल से जुड़े रहिए, आपको अपडेट चैनल पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।